सर दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। यार दोस्तों मौका है आपके लिए फिर से तीन बार एक ही साथ ओपन होने जा रहे हैं तीन तीन आईपीओ 23 तारीख को, लेकिन उससे पहले एक और आईपीओ 22 तारीख यानी आज से ओपन हो गया है जिसमें आप अप्लाई करके आपकी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है वरिया क्रिएशन लिमिटेड जिसका आईपीओ 22 तारीख यानी आज से ओपन हो गया है और इसमें आप 25 अप्रैल तक इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 20.10 करोड़ रुपए तय किया गया है और ऑलमोस्ट इसमें सभी जो है वो फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 150 रुपए पर इक्विटी शेयर है। इसमें रिटेल कोटा 50% और NII के लिए 50% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों SME सेगमेंट का ये IPO होने वाला है, सो इसमें नोट साइज जो है वो 1000 शेयर की तय की गई है। एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों नज़र डालें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ताकि हमें आइडिया आए कि अभी इसकी डिमांड क्या चल रही है, तो आपको यहाँ पर भी निराशा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक है इलेक्शन, दूसरा है वॉर इफेक्ट और गोल्ड में जिस तरह का प्राइस अभी हाई पे चल रहा है, मैरिज की सीजन स्टार्ट हो गई है, इलेक्शन में कौन सी पार्टी आएगी वो भी उम्मीद लोगों ने लगा तो दी है, लेकिन उसकी वजह से भी मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी सेंटिमेंट है। उसकी वजह से इस मंथ आपने देखा होगा IPO भी बहुत कम आए हैं, लेकिन जितने आए हैं उसमें आपको मौका तो मिला ही है। अभी फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इसकी डे बाई डे अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम की मूवमेंट देखनी है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट GMP डे बाई डे चेक। दोस्तों बात करें इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की, तो 26 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, वही 30 अप्रैल को ये IPO मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि इसका अलॉटमेंट आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा क्योंकि ये इस कंपनी का रजिस्टर। दोस्तों नज़र डालते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 52.62 पर इक्विटी शेयर है। इसका PE रेशियो 2.85 है। इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 132.75% है और इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी NAV जो है वो 39.64 पर इक्विटी शेयर। अब दोस्तों नज़र डालते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 0.12 करोड़ रुपये था और इसका कंपनी जो है वो लॉस में थी यानी 0.13 करोड़ के लॉस में थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ते हुए 2.53 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और ये कंपनी जो है वो भी प्रॉफिट में आ गई, 0.28 लाख का इसका प्रॉफिट था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 5.38 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, वही ये कंपनी भी जो है वो प्रॉफिट में बढ़ोतरी करते हुए 0.79 लाख। रिवेन्यू लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2023 की बात करें तो इसका रिवेन्यू 17.63 पर था और इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 3.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बहुत बड़ा जंप एक ही साल में इस कंपनी ने ले लिया, हो सकता है इसका IPO लाने के लिए ही इसने इसके फाइनेंशियल में भी काफ़ी ग्रोथ दिखाया है। यानी कि हम मान सकते हैं कि जिस तरह के इसका फाइनेंशियल स्टेडी एंड स्टेबल जा रहा है, शायद ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके फायदा जरूर दे सकती है। अब दोस्तों बात करें इसके प्रमोटर्स की, तो मैस्कॉट कैपिटल एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, JNK हेटर को लिमिटेड, अरविंद कामत, गौतम रामपेली और दीपक कचरूलाल बरू का जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स है और इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर के तौर पर इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तय किया गया है। दोस्तों नज़र डाल देते हैं इस कंपनी की प्रोफाइल पे यानी कि डिटेल्स पे। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी की डिटेल जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों वरिया क्रिएशन लिमिटेड जो है वो जुलाई 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह कंपनी गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन के होलसेल ट्रेडिंग के कारोबार में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेकलेसेस, इयररिंग, टॉप्स, रिंग्स, ब्रेसलेट, पेंगल, जेमस्टोन, डायमंड, लेफ ग्राउंड डायमंड्स एंड पॉल जैसी बहुमूल्य प्रोडक्ट भी शामिल है। यानी कि ज्वेलरी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, इसमें इन्वेस्ट करके आपकी भी किस्मत चमक सकती है। या दोस्तों फिलहाल तो मार्केट का सेंटीमेंट यह कहता है कि लॉन्ग टर्म का जरिया हो तो भी आप इन्वेस्ट करना, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आपका डिसीजन क्या बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी IPO की अपडेट जानने के लिए
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।